नमस्कार दोस्तों, जिन पेशेंट्स को इरेक्शन की प्रॉब्लम है उनको आगे जाके हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं, और जिन पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं उनको इरेक्शन की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। मैं डॉक्टर आशीष सरवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में फुल डिटेल डिस्कस करूँगा। जिन पेशेंट्स को इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है उनको आगे जाके हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसका कारण यह है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, और उसी की वजह से इरेक्शन में भी प्रॉब्लम होती है और हार्ट में भी प्रॉब्लम होती है। आपको समझना चाहिए कि नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए हर ऑर्गन में ब्लड जाना बहुत ज़रूरी है। तो जब पेनिस में ब्लड पूरा जाता है तो उससे इरेक्शन अच्छी आती है। अगर पेनिस में ब्लड ब्लॉक हो जाएगा तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। अगर हार्ट में पूरा ब्लड जाता है तो हार्ट अच्छी तरह पंप करता है, उसकी फंक्शनिंग अच्छी है, लेकिन अगर हार्ट की ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी तो हार्ट अटैक आ सकता है। वैसे ही ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ब्लड सप्लाई बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लड ब्रेन में नहीं जाएगा और ब्रेन की ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएगी तो स्ट्रोक हो सकता है। जो पेनिस की ब्लड वेसल्स है वो बहुत पतली होती हैं, 1 से 2 मिलीमीटर ज़्यादा की नहीं होती, और जो हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं या ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं काफ़ी मोटी हैं, 3 से 4 मिलीमीटर की, तो वो पेनिस की ब्लड वेसल से डबल द साइज़ है। जब ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और शुगर और लिपिड्स, फैट्स, ये सब जमा हो जाती हैं और ब्लड वेसल्स पूरी ब्लॉक हो जाती हैं। तो वो जिस भी ऑर्गन को सप्लाई कर रही होती हैं, जैसे कि पेनिस पे ब्लड जा रहा है या हार्ट में ब्लड जा रहा है, तो उन सब में ब्लड कम जाता है और उसकी वजह से पूरे ब्लड सप्लाई नहीं मिलती और वो वाला ऑर्गन काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए पेनिस की ब्लड वेसल्स अगर ब्लॉक होंगी तो इरेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। जो हार्ट की और ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं वो मोटी हैं तो उनको ब्लॉक होने में टाइम लगता है। देखा गया है कि जिनको इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है उनको 5 से 10 साल के बाद हाई चांसेस होते हैं कि कार्डियक डिजीज़ हो जाए, क्योंकि पहले पेनिस की ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती है और आस्ते आस्ते हार्ट की ब्लड वेसल्स, ब्रेन की ब्लड वेसल्स, ये सब ब्लॉक हो सकती हैं। एक अमेरिका में स्टडी करी थी, उन्होंने 2000 पेशेंट ऐसे लिए थे जिनकी एज 45 थी और उनको कोई इरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं थी, और एक साइड उन्होंने 2000 पेशेंट ऐसे लिए जिनकी एज 45 थी और उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन था, और उसके बाद उन लोगों को 20 साल तक फॉलोअप किया और उन्होंने देखा कि जो लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन था 45 की एज में, उनको एज़ कम्पेयर टू जिनको बिल्कुल इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं था, तो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाले पेशेंट्स हैं उनको हार्ट प्रॉब्लम्स आगे बढ़ने का या स्ट्रोक होने का, आगे बढ़ने का 50 गुना ज़्यादा रिस्क है एज़ कम्पेयर टू जिनको इरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं थी। और बेसिक पॉइंट यही है कि ब्लड वेसल्स जब ब्लॉक होती है तो सारी बॉडी की ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती है। तो अब आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो आपको आगे क्या करना चाहिए जिससे आपको आगे हार्ट प्रॉब्लम्स ना हो? सबसे पहले तो आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, एक फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, चेक करना चाहिए आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है, अगर ये सब है तो इनको कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा हेल्दी खाना चाहिए, ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा हरी सब्जियाँ खानी चाहिए और फ्रूट्स खाने चाहिए, उससे वेट कंट्रोल में रहता है और ब्लड वेसल्स ओपन रहती हैं। दूसरी बात, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, अगर आपको शुगर है तो शुगर कंट्रोल रखनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको आगे जाके हार्ट प्रॉब्लम्स और स्ट्रोक और ये सब रिस्क कम होंगे। एक और ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनको पहले इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं था, लेकिन जब से इनको हार्ट प्रॉब्लम हुई है, ब्लड प्रेशर स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद इनको इरेक्शन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उनसे अपनी दवाइयाँ रिव्यू करानी चाहिए। कई कई बीपी की दवाइयाँ होती हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एटेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, ये सारी जो दवाइयाँ हैं ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन करती हैं। थायराइड डायरेटिक्स, क्लोरथैलिडोन, इमडोर, ये सारी जो है ये डायरेटिक्स हैं और ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन करती हैं। और कई कई बीपी की दवाइयाँ हैं जैसे कि स्टैटिन्स हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, या तो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट हैं जैसे कि लोसार्टन, टेलमिसार्टन, इनसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन कम होता है। तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे अपनी दवाइयाँ रिव्यू कराइए, हो सकता है आपकी दवाइयाँ एक से दूसरी चेंज करने में ही आपका इरेक्शन की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अगर दवाइयाँ चेंज करने के बावजूद आपकी इरेक्शन की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के सारे ट्रीटमेंट्स आप ले सकते हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गई, वैक्यूम थेरेपी हो गई, पिनाइल इंजेक्शन हो गए, शॉकवेव थेरेपी हो गई, और फाइनली पिनाइल इम्प्लांट। जो लोग कार्डियक पेशेंट्स हैं उनको मेडिसिन अपने कार्डियोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन में ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि कई कई कार्डियक मेडिसिन ऐसी होती हैं अगर उसके साथ सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल जैसी गोलियां लेंगे तो लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स होते हैं, एंजिस्पैन, कई पेशेंट्स को चेस्ट पेन होती है तो उसमें ये वाली दवाइयाँ देते हैं, और इसके साथ अगर आप सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल लें
तो आपका बीपी बहुत कम हो सकता है और आपको स्ट्रोक या हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो अगर आप इरेक्शन की प्रॉब्लम की दवाइयाँ स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए कि ये दवाइयाँ आपके लिए सेफ हैं कि नहीं है। इसके अलावा अगर आपको पेनाइल इंजेक्शन लगाने या शॉकवेव थेरेपी लगानी है तो आपको समझना चाहिए, अगर आपको खून पतले करने वाली दवाई चल रही है तो उसके साथ ये सब चीज़ें आप यूज़ करोगे तो आपको हीमेटोमा हो सकता है, पेनिस में ब्रूजिंग हो सकती है। तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करिए, अपने यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करिए आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। कई पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं कि मेरे को सीवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और साथ में कार्डियक प्रॉब्लम भी है तो मेरे लिए इम्प्लांट सेफ है कि नहीं है। तो देखिए, पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी काफ़ी सेफ है। हम सर्जरी से पहले सारे एनेस्थीसिया चेकअप्स करते हैं, कार्डियक टेस्टिंग करते हैं, इको करते हैं, स्ट्रेस इको करते हैं। वी मेक श्योर कि आपका जो हार्ट है वो स्ट्रांग है। जब हार्ट स्ट्रांग होगा उसके बाद ही सर्जरी प्लान करते हैं। सर्जरी प्लानिंग से पहले हम फिजिशियन को दिखाते हैं, एनेस्थेटिस्ट को दिखाते हैं और पूरा प्रिकॉशंस लेते हैं कि आपकी सर्जरी बिल्कुल सेफ होए। सर्जरी जो होती है स्पाइनल एनेस्थीसिया में होती है, मतलब पीठ पे इंजेक्शन लगा के लोअर पार्ट सुन करते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कार्डियक प्रॉब्लम है और आपको पूरा सुला देंगे, पूरा एनेस्थीसिया दे देंगे और आप एनेस्थीसिया से बाहर ही नहीं आओगे, क्योंकि ये सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में होती है, स्पाइनल एनेस्थीसिया में, जिसमें हम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी सुन करते हैं, आप जगे होंगे पूरी सर्जरी के टाइम पे। तो एनेस्थीसिया से डरने की बात नहीं है अगर आपको कार्डियक प्रॉब्लम भी हुए तो। इसके अलावा सर्जरी जो होती है उसमें ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता, कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती और सर्जरी में आधे पौने घंटे से ज़्यादा नहीं लगता। रिकवरी भी काफ़ी क्विक है, आप उसी दिन शाम को या अगले दिन सुबह घर जा सकते हैं। तो पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी कार्डियक पेशेंट्स के लिए सेफ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई पेशेंट्स होते हैं जिनकी ब्लड थिनर्स बिल्कुल स्टॉप ही नहीं कर सकते, उनमें भी हम लोग पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपको ईडी की प्रॉब्लम है तो आगे जाके हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो अपने हार्ट का भी ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। दूसरी बात, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम पहले से और आपको ईडी की प्रॉब्लम है, उसके ट्रीटमेंट आराम से हो सकता है, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।